अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे जवां साल सियासतदान से जिसकी सियासी खिदमात के एवज़ और उनकी वफादारी के सिले में बहुत जल्द उसका इतराफ़ करते हुए मुस्लिम लीग नून ने उन्हें फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का सिटी जनरल सेक्रेटरी नामज़द किया, मियाँ ज़ियाउर रहमान। आइए मिलते हैं। क्या हाल मियाँ साहब जी? अल्लाह का शुक्र भाईजान, माशाल्लाह आज तो बड़े चहक रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं और बड़े स्माइलिंग फेस। वैसे तो हमेशा ऐसे ही होते हैं आप, जब इतने खूबसूरत शख्सियत से मुलाकात हो तो चहक तो आ ही जाती है। थैंक यू मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया सर। चलो, मैंने वैसे तारीफ इसलिए की थी। और मियाँ साहब, वैसे जब से आप जनरल सेक्रेटरी बने आप तो वाकई, वैसे तो पहले भी आपका रंग इसी तरह सुर्ख सफ़ेद होता है, लेकिन जो होता है ना कि एक तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा जल्द, उससे बहुत पहले इतना निखार आया है आपकी स्पीच में, आपकी बातों में, गुफ्तगू में। यूँ तो बहुत सारे लोगों को स्टेज तक आने में बड़ी कई साल लग जाते हैं, इसका क्या सबब है? देखिए, जो पार्टी वर्कर होता है, जब वो पार्टी के लिए अपनी सर्विसेज फ्राहम करता है तो जब उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है तो फिर तबीयत में और मिजाज में निखार तो आना एक फितरी अमल है। अच्छा, आप तकरीर भी बहुत खूबसूरत करते हैं। अच्छा, ये फ़न कहाँ से सीखा? पहले तो आप इतना, मतलब थोड़ी सी शायनेस थी, लेकिन मैंने आपको जितने भी जलसे, बड़े बड़े जलसों में देखा है, जो वहाँ टॉप लीडरशिप आपकी बैठी होती है, तो बहुत ज़बरदस्त एतमाद आपके चेहरे पे होता है, आपके लफ्ज़ों में बड़ा एक तसलसल होता है। तो ये उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है जो पार्टी ने आप पर किया, आपकी एक्नॉलेजमेंट जैसे आपने बात की, या इसकी बाकायदा तैयारी करते हैं आप? वैसे तो इंसान हर दौर में सीखता है, लेकिन एक मेरे साथ ये एक स्पेशल होता है कि जब भी कभी राणा सनाउल्ला साहब तशरीफ़ फरमा हो ना, तो मेरा उनके साथ बड़ा जज्बाती लगाव हुआ है, तो उनकी मौजूदगी में थोड़ा सा मैं जज्बाती हो जाता हूँ। और खैर, राणा सनाउल्ला खान साहब के साथ तो आपकी सबको पता है कितनी ज़्यादा एफिलिएशन हैं। वैसे क्यों इतने ज़्यादा आप उनके बाकायदा, जैसे कोई बंदा दीवाना होता है ना, इसकी क्या वजह है? सर, मैंने जो मेरी पॉलिटिक्स की लाइफ है ना, मैंने इतना कमिटेड शख्स नहीं देखा। बंदा जो भी काम करे कमिटमेंट के साथ करे, जिस लेवल की उनकी कमिटमेंट है ना, तो हर वर्कर को उनसे सीखना चाहिए। जिस तरह मैंने चंद दिन पहले भी ये बात हुई थी, मैं एक बार फिर आपके सामने में साथ में शेयर करता हूँ कि जब उनकी वफा को परखने की कोशिश की गई ना, उनके ऊपर बेबुनियाद झूठा मुकदमा कायम किया गया, और एक ऐसा मुकदमा जिसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती। जिस दिन वो जेल की काल कोठरी से अदालत में पेश होने के लिए तशरीफ़ लाए, तो जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उस शख्स की वफा पे कुर्बान जाने को दिल करता है। उसने कहा कि मैं इस जुल्म और बर्बरियत के बाद, पहले मैं मियां नवाज शरीफ के साथ 100% खड़ा था, लेकिन इस जुल्म के बाद मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ 1000% खड़ा हूँ। तो उनकी ये जो कमिटमेंट है ना, तो ये उनसे प्यार करने पे मजबूर करती है। ज़बरदस्त। अच्छा मियां साहब, आप इधर फैसलाबाद में पैदा हुए थे? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद। किस मोहल्ले में? मैं ये हाजियाबाद, जिस जगह ये साथ ही है मेरी, यहाँ पर ये पैदाइश हुई। कोई गेम वगैरह खेलते थे? जी, मैं क्रिकेट बड़े शौक से खेलता रहा। अच्छा अच्छा फिर तुम बरखल, आप कप्तान से मुतासर नहीं? कप्तान की क्रिकेट से तो शायद मैं मुतासर होता, लेकिन वो भी कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, तो वो भी उस वक्त और खिलाड़ी थे जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीती, लेकिन चूंकि ये कैप्टन थे तो इन्होंने वो टोटली क्रेडिट क्लेम करने की कोशिश की, और वो शायद आज तक वही क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसके जो हैं वो इंजमाम या जो और टीम में खिलाड़ी थे वो क्रेडिट्स गोज़ टू हिम। ये बताइए मियाँ साहब, शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी हुई है जी 2010 में। कितनी उम्र में हुई? ये औरतों वाला सवाल पूछा। उस वक्त मेरी उम्र 27 साल थी। माशाल्लाह, पसंद शामिल थी या ज़बरदस्ती हुई? नहीं, ये जी मेरी, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए मेरे वालदैन की, ये प्योरली उनकी जो है ना ख्वाहिश के मुताबिक हुई, ये अरेंज मैरिज थी। और जितनी स्ट्रगल आपकी मुस्लिम लीग नून के लिए आपने की, और दिन रात
ख़ास तौर पर जो मुश्किल वक्त है या पोजीशन का दौर है, इसमें जिस साबित कदमी का मुजाहरा किया उसके नतीजे में पार्टी ने आप पर एतमाद किया और आपको एक अहम जिम्मेदारी दी, तो इससे फिर आपको पार्टी के हवाले से जो कारकुनों के गिले होते हैं जी के उनको इग्नोर कर दिया जाता है, तो आपको आपका तजर्बा तो मुख्तलिफ हुआ ना फिर? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा जब कमिटमेंट के साथ खड़ा होता है ना, तो उसकी जो मेहनत है उसका समर ज़रूर मिलता है। मैं वैसे बाई बर्थ मुस्लिम लीगी हूँ, लेकिन मैं को पिछले 10 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हूँ, तो जो मैंने पार्टी के लिए काम किया है ना, या मेरे जैसे जो भी दोस्त काम कर रहे हैं, जब से राणा सनाउल्ला साहब को पार्टी में पंजाब का सदर बनाया गया ना, मैं समझता हूँ तब से वर्कर को जो इज़्ज़त मिली है वो माजी में कभी भी ना थी, क्योंकि राणा सनाउल्ला साहब खुद 16 से 18 घंटे रोज़ पार्टी के लिए काम करते हैं और वो हर काम करने वाले बंदे को पसंद करते हैं। मियां साहब, ये इतने खाने आपने लगाए हुए हैं, ये सारे आपने खुद खाने? नहीं जी, आप इतनी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं तो ये चीज़ें तो रोज़ होती हैं घरों में, लेकिन वैसे भी सुबह को जो नाश्ता है वो तो ज़रा बंदे को बादशाहों की तरह करना चाहिए, नाश्ता ज़्यादा करना चाहिए। और दोपहर को खाना मैं खाता नहीं हूँ, और रात को मगरब की नमाज के बाद थोड़ा बहुत कुछ चीज़ खा ली। अच्छा, ये आज हमारे लिए बनाया है ख़ास तौर पे, या आप भी रोज़ाना ऐसा ही नाश्ता करते हैं? नहीं, कुछ आज तकल्लुफ़ हुआ है तो, लेकिन होती हैं 2-3 चीज़ें तो रोज़ होती हैं। वैसे क्या करते हैं नाश्ता, किस चीज़ का आप करते हैं? मैं वैसे अपनी बात करूँ, मैं तो वैसे ज़्यादा बॉयल एग लेता हूँ और साथ में कोई ब्रेड के 1-2 पीस ले लिए, तो 1 कप मैं ब्लैक कॉफ़ी अमेरिकाना लेता हूँ। बेटी, आपका नाम? मनाहिल। मनाहिल कौन सी क्लास में पढ़ती? 4 ब्लू। अपने पापा की कोई बहुत अच्छी बात जो आपको मज़ा आता हो कि हाँ ये पापा ने कमाल कर दिया, ये बहुत अच्छे लगते हैं जिस वजह से? हर बात। अच्छा, तो गुस्सा भी आता है किसी बात पे आपको इन पे? नहीं। इन्होंने कभी आपको डांटा? नहीं। आपका नाम? मोहम्मद। मोहम्मद, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम। अच्छा, पापा आपको कहीं लेके जाते हैं घुमाने फिराने? मियाँ सब के छोटे भाई जैन और तौसीफ मौजूद हैं, कुछ बातें हैं उनसे भी बड़े भाई के बारे में। जैन साहब, कैसा लगता है मियाँ ज़िया साहब का भाई होना, कैसे भाई हैं? डांट डपट करते हैं या आपको प्यार भी करते हैं? नहीं, अब वालिद के बाद भी और पहले भी डांटते थे। डांटते थे जी? अच्छा, पहले भी डांटते थे? जी पहले भी डांटते थे। अब यार बड़ा, ये तो रवायती फिर भाई है ना बड़े, क्यों डांटते हैं आमतौर पर, किन बातों पे डांट पड़ती? हर जो बुरी चीज़ है उनसे रोकना, मना करना। कैसा लगता है जब डांट पड़ती? गुस्सा तो आता होगा दिल ही दिल में? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आता। आपके बड़े भाई मियाँ ज़ियाउर रहमान, मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी, कैसा लगता है आपको? आज हर वक्त तो ये मसरूफ़ रहते होंगे, आपको तो वक्त नहीं मिलता होगा? रात को मिल जाता है। अच्छा, लेट नाइट। तो आप भी साथ देते हैं इनका सियासी हवाले से? जी जी बिल्कुल, जो इनके करने वाले काम नहीं है वो मुझे बता देते हैं, वो मैं करता हूँ इनकी जगह। इनका साथ कैसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जब हयात थे तब और अब? अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, इन्होंने माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। नाश्ते की मेज़ पर दो और अहम शख्सियात मौजूद हैं, फैसलाबाद के डिप्टी मेयर रहे हैं चौधरी अब्दुल गफूर, और चौधरी अब्दुल गफूर मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब की ज़िंदगी में इनका रोल एक नागज़ीर जुज़्व बदन की तरह है, एक बहुत पुराना इनका साथ है, बहुत दोस्ती है, और ये बिल्कुल इनका हकीकी भाइयों वाला ताल्लुक़ है। उनसे भी कुछ जानेंगे, और शहर की बहुत ही एक हरदिल अज़ीज़ शख्सियत, सियासी और अदबी हवाला है, ग़ुलाम भीख आवान, चेयरमैन भी रहे यूनियन काउंसिल के, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। चौधरी साहब, कुछ कहिएगा, वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है, आप फिर भी कुछ कहिए मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब की पॉलिटिक्स के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब मेरे छोटे भाई हैं, इनसे हमारा फैमिली और दोस्ती हर किस्म का ताल्लुक है, फ्री हैं हम आप। अवान साहब, आपका भी बहुत पुराना ताल्लुक है मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब से,
कोई ख़ास पहलू इनकी शख्सियत का जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, किस तरह से इनका तज़िया करेंगे इनकी शख्सियत का? मियां ज़ियाउर रहमान एक मज़हबी घराने का चश्मो चराग है और इनके वालिदैन को अल्लाह अगर के रहमत करे, अल्लाह उनकी कब्र कबूर पर करोड़ों हाय रहमतों का नज़ूल फरमाए, उन्होंने इस एहसन अंदाज़ से इसकी तरबियत की और इसको ऐसे निखारा कि ये एक मुआशरे का बेहतरीन इंसान बना और उसकी आज ज़िंदा मिसाल ये हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ वालिदैन की दुआओं से, उनकी तरबियत से और उस मज़हबी रंग की वजह से, क्योंकि ये मज़हबी घराना है, सौमो सलात के पाबंद हैं माशाल्लाह, वो सारी झलक मियाँ ज़ियाउर रहमान की तालीम और तरबियत में नज़र आती है। मियाँ ज़ियाउर रहमान की तरफ से बनाए गए मुस्लिम लीग हाउस, जिसे लायलपुर हाउस PMLN लायलपुर हाउस का नाम दिया गया है, वहाँ पहुँचे हैं, उनका दफ्तर देखते हैं और कारकुनों के साथ कुछ मीटिंग हैं। आइए। किस तरह ख्याल आया कि इतनी कीमती जगह पे कोई प्लाजे बनाते हैं, लोग कुछ करते हैं और आप अपनी पार्टी का ऑफिस बना रहे हैं? लेकिन जब मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई ना, तो मैंने महसूस किया कि शहर में सबसे पहला जो कमी है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो ऑफिस की कमी है। तो मैंने कायदे मोहतरम राना सनाउल्ला साहब से मशवरा किया, बकायदा तौर पे मैंने ये लोकेशन, चूँकि ये शहर के सेंटर पॉइंट में है और ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो मैंने उनसे पहले अप्रूवल ली ताकि हर तरफ से लोगों का यहाँ पर पहुँचना जो है वो आसान हो। फिर मैंने जो उसका लेआउट था, सारी चीज़ें मैंने उनके कंसल्टेशन के साथ ही फिर बनाई, और इसमें कोई शक नहीं है, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि जिस दिन राना सनाउल्ला साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने कहा कि ये ज़िया ने घर ऐसे बनाया जैसे कोई ऑफिस ऐसे बनाया जैसे कोई बंदा अपने लिए घर बनाता है। तो मैंने दिल से बनाया है, शौक़ से बनाया है, और ये मेरा राना सनाउल्ला साहब के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए एक हकीर सा तोहफ़ा है। मेरा ख्याल हम व्यूअर्स को दिखाएं कि राना सनाउल्ला खान साहब ने जब इफ्तिताह किया इस ऑफिस का, तो मियां ज़ियाउर रहमान साहब के बारे में क्या कहा था उन्होंने? जो हमारे फैसलाबाद कॉरपोरेशन के जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान साहब ने बड़े ही दिलचस्पी के साथ, और यहाँ पे बात हुई है कि उन्होंने वाकई उस ऑफिस को उसी तरह से, उसी शौक से, उसी पैशन से जो है वो तरतीब दिया है और बनाया है कि जिस तरह से कोई आदमी अपनी रहायश का या अपना घर बनाता है। ये यकीनन उनकी पार्टी के साथ और अपनी तंजीम के साथ जो है वो मोहब्बत का, डिवोशन का और कमिटमेंट का जो है वो आईनादार है। और फिर उन्होंने इस बात की भी जो है वो दोस्तों को ऑफर की है कि हमारे यहाँ पे सूबाई हलकों के तमाम तंजीम बैठी है, सदर सेक्रेटरी साहबान बैठे हैं, हमारे जो जैली विंग्स हैं उनके भी सदर और जनरल सेक्रेटरी साहबान को आज यहाँ पे मदऊ किया गया है। तो वो सभी जो हैं वो इस सेक्रेटेरिएट को, इस ऑफिस को जो है वो अपने इस्तेमाल में जो है वो ला सकते हैं। राणा साहब तो बहुत खुश हैं जी आपसे, बड़ी ज़बरदस्त उनके अल्फाज हैं आपके लिए। जी बिल्कुल, उन्होंने बड़ी जो है वो अप्रिसिएशन की है। तो मैं आज के प्रोग्राम के तवसत से ये शहर फैसलाबाद के मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो ऑफिस है ये आपका है, ये पार्टी का ऑफिस है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी ओहदेदार हो या पार्टी कारकुन हो, किसी भी जैली विंग का ओहदेदार हो या उस वो वर्कर हो, ये ऑफिस 24 घंटे उनके लिए खुला है।
है जी हमारा गेस्ट रूम। कोई लीडरशिप में से कोई भी फैसलाबाद में तशरीफ़ लाता है तो ये हमारे लिए तो ऑनर की बात होगी कि वो फैसलाबाद आके किसी होटल में न रहे, वो PMLN हाउस में रहे और वो PMLN हाउस का ही मेहमान हो। ये सब पार्टियाँ कोई इतनी वफा नहीं करती, बाज़ोकात यकतरफा मोहब्बत ना साबित हो गई। नहीं देखें जी, इस तनाजर से तो कभी देखा ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि जो लीडरशिप हमारे बच्चों के बेहतर कल के लिए जिला वतनी भी अफोर्ड कर रही है, कैदोबंद की सौतें भी बर्दाश्त कर रही है, झूठे हीरोइन के पर्चे भी बर्दाश्त कर रही है, उनके आगे इस चीज़ की क्या हैसियत है? उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी हमारे बच्चों के लिए जो है वो मुख्तस की हुई है, तो ये तो कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। हाजी आबाद के कब्रिस्तान पहुँचे जहाँ मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब के वालिदैन की कब्रें हैं, फातह खानी के लिए आए हैं। الف اللہ چمبے دل بوٹے میرے من وچ مرشد لا होते हैं मियाँ साहब, अब तो भूल ही नहीं सकता इंसान, और बहुत आपका तो खसूसी तौर पर जज्बाती लगाव था और इसीलिए आपकी हालत भी इस वक्त, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आमीन आमीन। बहुत यादें होती हैं और बस वो सुना था जी कि माँ बाप के बगैर घर कब्रिस्तान होते हैं, उसका अमली नमूना हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला किसी को भी माँ बाप का दुख ना दे, सबके माँ बाप को अल्लाह की ज़ात सलामत रखे। एक बार फिर लालपुर हाउस पहुँचे हैं जहाँ सोशल मीडिया टीम और दीगर विंग्स जो हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी मीटिंग है, उसमें शिरकत के लिए आए। आइए। फैसल टाउन रशीद ब्लॉक पहुँचे, यहाँ मियाँ ज़िया साहब की खाला इंतकाल कर गई थी, उनकी ताज़ियत के लिए आए हैं। आइए। मुस्लिम लीग नून के साबक MPA मलिक मोहम्मद नवाज़ और उनके भाई साबक मेयर फैसलाबाद रज़ाक मलिक साहब से मिलने उनके घर पहुँचे। आइए। फैसलाबाद के साबक मेयर रज़ाक मलिक बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी, बहुत भरपूर दौर उन्होंने गुजारा फैसलाबाद में, बहुत ज़बरदस्त काम किए और ये केस भी लड़ा उन्होंने जो जब बलदियाती इंतखाबात बलदियाती अदारों को डिसफंक्शनल किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक गए और अदारे बहाल करवाए, बहुत बड़ा क्रेडिट उनका। उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, रज़ाक मलिक साहब के ख्यालात, मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब उनके करीबी पुराने साथी हैं, उनके बारे में यकीनन उनके ख्यालात
बहुत अहमियत के हामिल हैं। रज़ाक साहब, आपने एक अरसा से मियाँ ज़िया साहब आप एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो आज हमारा प्रोग्राम है इनके साथ, तो कुछ इनके बारे में सच्ची सच्ची बातें कुछ बता दें हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ ज़िया साहब माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। तो पहले जब शुरू में हमने बलदियाती इंतखाब हमारा हुआ था, तो उसके बाद जो चंद अच्छे दोस्तों में इजाफा हुआ उसमें मियाँ ज़िया साहब भी हैं। तो आप देखें कि इन्होंने हमारे साथ जो बलदियात में बड़ा कॉपरेट भी किया, और जो फैसलाबाद के बहुत सारे काम ऐसे थे जिनकी इन्होंने निशानदेही भी की कि ये होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारे जो एक डिप्टी मेयर चौधरी अब्दुल गफूर साहब हैं और ये आपस में भाई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन भी थी, तो सारे काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर किए हैं उधर, और काफ़ी सारा हेल्पफुल भी रहा है मियाँ ज़िया साहब का भी। और आप देखें कि जहाँ तक दोस्ती की बात है कि ये एक बड़ा कम अरसा था जिसमें हमारी शनासाई हुई, और अब ऐसा लगता है कि जैसे हम बचपन से ही दोस्त हैं। मलिक मोहम्मद नवाज़ इलाके की हरदल अजीज़ शख्सियत, साबिक एमपी है, उनके व्यूज़ भी। मलिक साहब जी, मियाँ ज़िया आपके छोटे भाइयों की तरह सुना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे रज़ाक मलिक साहब छोटे भाई हैं वैसे ये ज़िया-उर-रहमान मेरे छोटे भाइयों की तरह है। जिस वक्त रिकमेंडेशन चल रही थी कि जनरल सेक्रेटरी के हवाले से, तो उस वक्त जो रिकमेंडी थे उनमें से एक मैं भी था, तो मुख्तलिफ बातें उस वक्त ज़िया के हवाले से आ रही थी, लेकिन मैंने एक दो इनके ऐसे एक्ट देखे थे। चूँकि जब जैसे रज़ाक साहब ने बात की है कि ये एक ख़िदमत खलक का जो जज्बा होता है ना किसी इंसान के अंदर, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, और ये इंसान उसी वक्त करता है जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है, उसी को ये तौफीक अता करता है, वरना हर बंदे में ये तौफीक नहीं आती। तो उसमें जो पार्टी के हवाले से, चूँकि उस वक्त ये जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, लेकिन एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार पार्टी मुनज़्ज़म करें, पार्टी में वर्किंग जो है उसका गैप है, तो उसमें जाके तो मेरा ख्याल अब पहला मैं बंदा था जब मैंने अपने बड़े भाई राणा सनावला साहब जो सूबाई सदर हैं और मुस्लिम लीग नून के, तो मैंने कहा था कि ये अगर हम ज़िया को इस पोजीशन के लिए रिकमेंड करें तो जो उनमें जोश और जज्बा है ना उसे हम माँ अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म कर सकते हैं। हम राणा सनावला खान साहब के डेरे पे पहुँचे हैं, उनके दामाद अहमद राणा अहमद शहरयार मरकजी सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के, उनके साथ मीटिंग है, आइए आपको मीटिंग में लीजिए। जी राणा अहमद शहरयार साहब के पास हम मौजूद हैं, मरकजी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के। अभी सियासी गपशप हुई मियां ज़िया-उर-रहमान के साथ, अभी उनसे जानते हैं कि वो राणा सनाउल्लाह खान के इस इंतखाब के बारे में क्या कहते हैं कि जो उनको मियां ज़िया-उर-रहमान साहब को उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, और क्या पार्टी के लिए उनकी खिदमात और उनका जो किरदार है जब से वो जनरल सेक्रेटरी बने, क्या राणा अहमद शहरयार मुतमईन है उससे, और ये कि वो इनकी शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। राणा साहब कुछ कहिएगा, सवाल तो आपने सुन लिया। सर बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मियाँ ज़िया-उर-रहमान साहब जो एक बड़ी लवली और फ्रेंडली पर्सनैलिटी है उनके बारे में आपने पूछा। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने लॉयल अपनी ज़ात के साथ हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी ज़ात के साथ लॉयल होता है तो फिर हर तरफ लॉयल होता है, तो उतने ही लॉयल ये राणा सनाउल्लाह खान साहब के साथ और अपनी क़्यादत के साथ हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि इंतखाब, तो राणा सनाउल्लाह खान साहब वो सियासी बसीरत रखते हैं और उनके पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक खासियत है कि वो दीवार की उस तरफ भी देख सकते हैं जहाँ पे मेरा ख्याल है कि इमरान खान ही देख सकता है, तो वो उस तरफ भी देखते हैं और उसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को भांपते हुए और शहर फैसलाबाद की जो नौयत थी उसको देखते हुए तो उन्होंने जो सियासी इंतखाब किया तंजीमी हवाले से, उनमें मियां ज़ियाउर रहमान साहब एक मैं कहता हूँ कि फैंटास्टिक और इस तरह का इंतखाब है जो हालात हाजरा के मुताबिक बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपकी पार्टी को अगर दोबारा गवर्नमेंट मिलती है तो इस मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे? सर इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की दोबारा हुकूमत आती है जो कि अभी रोज़ रोशन की तरह बयान है कि आने वाला वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, क्योंकि जो झूठा और तब्दीली का दावेदार झूठा गासिप होता है इसकी जो हकीकत है वो अवाम के ऊपर आशकार हो चुकी है। आने वाला दौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की दोबारा हुकूमत आएगी तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ पर इसको रोका गया था। इंशाल्लाह ये जो खतर गुरबत से नीचे लोग हैं इनको ऊपर लाने के लिए भरपूर कोशिश भी की जाएगी और जो इंडस्ट्रीज को मसाइल हैं, किसी ट्रेडर का को मसला है, किसी लेबर का को मसला है, इनको इंशाल्लाह तरजीही बुनियादों के ऊपर इंशाल्लाह। विक्टोरिया आर्ट गैलरी पहुँचे डी ग्राउंड में, आर्ट एग्जीबिशन है यहाँ। पांच बहनें हैं मैडम किरण खालिद और पांचों आर्टिस्ट हैं, उनकी मुश्तरका पेंटिंग्स की एग्जीबिशन है। आइए चलते। आर्ट से आपकी मोहब्बत तो पता था, लेकिन ये आर्ट एग्जीबिशन देखने आप आए स्पेशली प्रोग्राम के दौरान ही आपका मूड बना, तो कैसे ये कोई ख़ास रगबत? आर्ट और फ़नून लतीफ़ा में तो मेरी दिलचस्पी तो है ही, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर खींच के ले आई, तो यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई है कि जो मैडम किरण खालिद हैं तो वो पांच बहनें और पांचों आर्टिस्ट हैं। अपने देरीना दोस्त मुस्लिम लीग नून के एमपीए मेयर हामर रशीद से मिलने उनकी रहाइशगाह पर पहुंचे हैं, आइए आपको लिए चलें। मेयर हामर रशीद साहब के उनके ड्राइंग रूम में मौजूद हैं जो कि एक सियासी डेरे का मंजर पेश कर रहा है और अक्सर यहाँ यही सूरत हाल होती है। उनसे कुछ मियां ज़ियाउर रहमान साहब के बारे में जानते हैं कि उनकी जो कारकर्दगी बतौर जनरल सेक्रेटरी पार्टी के वो कैसी रही और उनकी शख्सियत के हवाले से वो क्या तासरात देते हैं। मेयर साहब दरीना दोस्त हैं आपके, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि मियां ज़ियाउर रहमान जैसे भाई जो हैं हमारे वो फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून कॉरपोरेशन सिटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और पिछले कोई 15-20 साल की कारकर्दगी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से अगर देखें चेक करें कि हमारे जो गुज़िश्ता सालों में हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं या हमारे दीगर ओहदेदारान रहे हैं तो उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए जिस किस्म की मेहनत और कावश किया, मियां साहब तो उनसे कई संगे मील आगे अबूर कर गए हैं, और इनकी अनथक मेहनत, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने काम की तरफ कम तवज्जो देते हैं और अपना इनका पैशन है कि मैं अपनी जमात के लिए कुछ करूं,
जिस तरह इन्होंने माशाल्लाह हमें एक फैसलाबाद में तोहफा दिया है लालपुर हाउस मुस्लिम लीग के नाम से, और बहुत बड़ी बात है। और ये फैसलाबाद की तारीख में पहले इससे पहले, बल्कि मेरा ख्याल है कि हम अगर पूरे पाकिस्तान पे भी नज़र दौड़ाएँ तो किसी बंदे ने जमात की उल्फत में, जमात की मोहब्बत में इस किस्म का तोहफा जमात को नहीं दिया। और मियाँ साहब ने जिस मेहनत से और प्यार से वो सारा हमारा दफ्तर कंप्लीट किया और मुस्लिम लीग नून के लिए वक्फ़ किया है, इससे माशाल्लाह हमारे सारे शहर की जो दीगर छोटी तंजीमें हैं, जिसमें सोशल मीडिया भी है, यूथ विंग भी है और MSF और इस किस्म की ये हमारे हलका के हवाले से भी जो तंजीमें हैं, वो दोस्त सारे इंतहाई बड़े खुश हैं और मियाँ साहब की जो खिदमात हैं उनका बरमला अजहार करते हैं, और मियाँ साहब जो मोहब्बत करते हैं उनसे वो भी काबिले दीद है जी। जनरल सेक्रेटरी सोशल मीडिया विंग मलिक ज़ाहिद मजीद, उनसे भी कुछ जानते हैं। मलिक साहब कहिएगा, क्या कोई चेंज आई, कोई तहरक पैदा हुआ जब से मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी बने फैसलाबाद के मियाँ ज़ियाउर रहमान? माशाल्लाह जी, हम जितने अरसे से इनके जानते हैं, इन्होंने हमेशा पार्टी के लिए बड़े भरपूर तरीके से काम किया। सीनियर नायब सदर सोशल मीडिया टीम आसफ वोरा साहब, कुछ व्यूज़ उनके भी कहिएगा जी मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब के बारे में। जब से मियाँ साहब आए हैं ना यहाँ पे, हमारी ख़ास तौर पर नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो जो वर्कर है ना, वो जो अपने अहदेदारों को मिलने के लिए उसके अंदर जो एक गैप था ना, वो ख़त्म हो गया। मुस्लिम लीग नून अमेरिका के रहनुमा इमरान अवान साहब मौजूद हैं, कुछ उनकी बातें। अवान साहब, वुड यू से समथिंग अबाउट योर फ्रेंड मियाँ ज़ियाउर रहमान? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्चुअली आई नो द जनरल सेक्रेटरी मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब थ्रू मार हामिद साहब who's an elder brother, as well as Haji Ghulam Beg Awan Saab, who's a very fast and dear friend of Mia Saab from the day one. Thank you. I've actually gotten to know Mia Saab multiple times. We have sat together and I found him to be a very reasonable and honorable man. Party ke sargaram karkun Rana Tajammal Hussain maujood hai, unse baat kar. Ji Ran Saab. Mia Ziaur Rahman Saab, unke mutalliq, wo ek hamaje shakhsiyat ke malik hai. Mia Saab, आपके बारे में इतने खूबसूरत जज्बात का इजहार किया जा रहा है, कुछ आप भी फरमाइए। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से मशहूर हूँ अपने बड़े भाई मेयर हामिद रशीद साहब का, जिन खूबसूरत और मोहब्बत भरे अल्फाज में उन्होंने मेरी हौसला अफजाई और अप्रिसिएशन की है। हमेशा मुझे इनकी रहनुमाई जो है मेरे काम में शामिल रहती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी काशिफ गुजर के डेरे पर पहुँचे हैं, जहाँ मियाँ ज़ियाउर रहमान के एजाज़ में डिनर का अहतमाम किया गया है। आइए चलते हैं। ये एक तारीखी सियासी डेरा है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, चौधरी काशिफ गुजर साहब और इनके बुज़ुर्ग चौधरी अली असगर भोला गुजर साहब। बहुत बड़ी खिदमात उनकी फैसलाबाद के शहरियों के लिए, बहुत बड़ा नाम सोशल हवाले से। यहाँ मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब के चाहने वाले, इनके साथी, इनके दोस्त मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू होगी। ये डिनर है मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब के एजाज़ में, काशिफ गुजर साहब ने तरतीब दिया। तो सबसे पहले चौधरी काशिफ गुजर साहब से पूछते हैं कि वो अपने साथी के बारे में क्या कहते हैं। जो सर फरमाइएगा, बड़ा ताल्लुक है आपका, बड़ा ज़रीना मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब की पॉलिटिक्स को, उनकी शख्सियत को बहुत अरसे से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, हमारा इनके साथ तकरीबन 7 साल से बहुत करीबी ताल्लुक है। शहरदारी में हम इनके पहले भी चाहने वालों में शामिल थे, लेकिन पिछले 7 साल से हम, आप ये कह सकते हैं कि हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे से रابطہ है। इस रابطے में हमारे बहुत सारे दोस्त शामिल हैं और मियाँ साहब की जो शख्सियत है उसकी वजह से ही ये एक दोस्ती इतनी मज़बूत हुई। बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं,
हमारी कोई दोस्तों की तरफ से कोई ना कोई हमेशा एक कोई तबीयत में कोई अग्रेसिवनेस आ जाता है, लेकिन मियां साहब ने हमेशा यही कहा है, नहीं जी बस ठीक है जी, बस मैंने मान लिया जी, मैंने मान लिया। मैं हमेशा मियां साहब से कहता हूँ, मियां साहब ये आपकी, हम आपको मोहब्बत है आपकी, लेकिन हम इसको आपकी शायरी कहते हैं लेकिन है ही इनकी मोहब्बत ही। सिटी प्रेसिडेंट यूथ विंग आतिफ किसाना साहब मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी। किसाना साहब थैंक यू जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो फैसलाबाद में ये काम कर रहे हैं उसमें इनकी मोहब्बत राणा सनाउल्लाह खान साहब जो सदर पंजाब है मुस्लिम लीग से, उनके साथ भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मियां साहब साढ़े बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े नफीस इंसान हैं। मियां साहब जी माशाल्लाह यारों के यार हैं। मियां साहब का मुझे ऐसे ही है जैसे काशो भाई है, इसी तरह मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ। गला मंडी के प्रेसिडेंट मियां आसिफ असलम साहब, कुछ उनकी बातें। मियां जियार रहमान साहब बिल्कुल छोटे भाइयों जैसे हैं और माशाल्लाह मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत कम वक्त में फैसलाबाद में बहुत नाम कमाया। सबके साथ ये बड़े खलूस से बड़े प्यार से एहतराम से मिलते हैं। कुछ आपके आपके बारे में बहुत खूबसूरत ख्याल का इजहार किया आपके साथियों ने, दोस्तों ने, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर यह बात करना चाहता हूँ कि चौधरी काशिफ गुजर और चौधरी अशरफ गुजर साहब जो हैं ये एक ऐसी शख्सियत के रिश्तेदार हैं जिसको शहर फैसलाबाद के लोग अली असगर बोला गुजर शहीद के नाम से जानते हैं। अली असगर बोला गुजर शहीद जो हैं वो ना तो एमपीए थे ना वो एमएनए थे, लेकिन गुज़िश्ता 3.5 दहाइयों तक 35 साल तक उन्होंने शहर फैसलाबाद के अंदर जिस सुलह जोई को, जिस मोहब्बत को उन्होंने जिस अंदाज से फ़रोग दिया है और जो शहर फैसलाबाद की तरफ से जो इज़्ज़त उनके हिस्से में आई है ये किसी और शख्सियत को ये नसीब नहीं हुई, तो हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं उनके जो वारसीन हैं, मेरा उनके साथ बड़ा ही कुर्बत वाला ताल्लुक है। ये सब आखिर में कुछ मैसेज मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए। जी मैं पार्टी वर्कर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ, बींग ए जनरल सेक्रेटरी PMLN फैसलाबाद, राणा सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो चेहरा हैं जो हमारे लिए एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब पर जब भी कोई मुश्किल आई है वो पार्टी के साथ पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ उनको थाम के खड़े रहे हैं, उनके पाया इस्तकलाल में कभी लगजश नहीं आई। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को ये बात कहना चाहता हूँ, आने वाला कल आपका है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो जिला वतनी काट रहा है, जो कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा है, वो ये सब अपनी ज़ात के लिए नहीं, वो आपके बच्चों के बेहतर कल की जंग लड़ रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथों को मजबूत करते हुए कायद राणा सनाउल्लाह साहब की हदायत के मुताबिक आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए को और पैगाम को घर घर तक पहुँचाएँ ताकि आने वाला जो कल आपका महफूज हो, पाकिस्तान दोबारा रोशनियों की तरफ वापस आए और पाकिस्तान सरसब्ज व शादाब हो। बहुत शुक्रिया मियां साहब, थैंक यू वेरी मच। आज का दिन आपके साथ खूब गुजरा, आपने वक्त दिया और सुबह से अब तक आपके साथ थे, आपका शुक्रिया। आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ जी, शुक्रिया। नाज़रीन ये थे मियां ज़ियाउर रहमान, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फैसलाबाद। आपने इनकी मसरूफियात देखी सुबह से रात गए तक, इनका जो जो मसरूफियात थी, जो जो एक्टिविटी थी आपने मुलाहजा की, इनके ख्यालात, इनकी सोच, इनके बारे में इनके साथियों के ख्यालात यकीनन आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Thank you.